कस्टमर देखता है संख्या को नमक ले जाने की इजाजत दे देता है, यानी कि संख्या को नमक ले जाने की क्या दे देता है, इजाजत दे देता है, तथा डेली के डेली को अपना वजन बताता है और कहता है कि मेरा वजन डेली है। वह संख्या को कहता है कि जामा मस्जिद की सीढ़ियों को मेरा सलाम कहिएगा। संख्या क्या कहता है, जैसे आप जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर चढ़ेंगे तो आप उन सीढ़ियों को मेरा सलाम कहिएगा और उन खातर को यह नमक देते वक्त, उन खातों को यह नमक देते वक्त मैं सबसे कहिएगा कि लाहौर अभी तक उनका वतन है और देश भी मेरा, तो बाकी सब रखता रखता ठीक हो जाएगा। रेल में सवार होकर, क्या ये रेल में सवार होकर, रेल में सवार होकर सफिया पाकिस्तान से अमृतसर पहुंची, पाकिस्तान से आप पहुंची अमृतसर, वहां भी उसका सामान कस्टम वालों ने चेक किया। सामान किसने चेक किया, कस्टम वालों ने, भारतीय कस्टम अधिकारी सुनील दास गुप्ता, मैं बता रहा, भारतीय कस्टम अधिकारी सुनील दास गुप्ता ने सफिया से कहा कि मेरा वतन ढाका है, मेरा वतन क्या है ढाका। उसने कहा कि जब भाजपा विभाजन हुआ था तभी वे भारत में आए थे, भाजपा विभाजन हुआ था तभी वे भारत में आए थे, इन्होंने भी संख्या को नमक अपने हाथों से सौंपा। इसे देखकर सत्या सोच रही थी कि किसका वतन कहा है। इस कहानी के माध्यम से लेखिका ने बताया है कि राष्ट्र राज्यों की नई सीमा रेखाएं खींची जा सकती है, राष्ट्र राज्यों की नई सीमाएं यानी जो राष्ट्र बढ़ते हैं राज्य बढ़ते हैं उनकी नई सीमा रेखाएं खींची जा सकती है कि कहां तक कौन सा राज्य है कहां तक कौन सा राष्ट्र है, और वजन के आधार पर लोग इन रेखाओं के इधर उधर अपनी जगह मुकरर कर सकते हैं। मेजर के आधार पर यानी कि जो नियम के आधार पर होते हैं लोग इन रेखा के इधर अपनी जगह मुकरर कर सकते हैं। इसके बावजूद जमीन पर खींची गई रेखाएं उसके अंतर्मन तक नहीं पहुंच पाई, यानी कि जमीन पर जो रेखाएं खींची गई है वह मनुष्य के अंतर्मन के जो रेखा खींची जाती है उनको कभी भी समाप्त नहीं कर सकती, अर्थात अंतर्मन में जो एक बार छाप हो जाती है किसी वस्तु की तो हमेशा उसमें स्थापित हो जाती है। नमक रानी रजिया सरदार जवाब रजिया रजिया सरदार जैन द्वारा रचित नमक रानी पाठ का सार, मुझे पूर्ण आशा है मेरे विद्यार्थियों छात्रों आप अच्छी तरह से इसको नमक पाठ की कहानी आप पढ़ समझ गए होंगे, और फिर भी आगे नहीं पर आपको कोई समस्या आती है दिक्कत आती है तो आप मेरे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद। जय भारत।